दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं सामने में जो ये LYF का फ़ोन है और इस फ़ोन के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो माइक का प्रॉब्लम है। तो इसका माइक जो है काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस मोबाइल के अंदर में जो माइक लगा हुआ है वो डिजिटल माइक लगा हुआ है 4fin का, और ये माइक जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें छोटा सर्किट अलग से दिया गया है, और इस छोटे सर्किट में जो है इसका स्पीकर फिट है, इसका चार्जिंग कनेक्टर इसी में फिट है, और इसका माइक का जो कनेक्शन है वो भी इसी में जो है फिट है। और इस सर्किट को जो है एक बेल्ट के माध्यम से जो है इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका बेल्ट निकाल के इस सर्किट को आपको बाहर निकाल के हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्किट आप देख रहे हैं इसी के अंदर में माइक है, इसी के अंदर में चार्जिंग कनेक्टर है, और इसी के अंदर में जो है स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसके अंदर में जो माइक लगा हुआ है वो 4fin का माइक लगा हुआ है, डिजिटल माइक लगा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस 4fin माइक की जगह जो हम इसमें जो है चाइनीज माइक लगा सकते हैं, 2fin का, जो 2fin का जो माइक जनरल मोबाइल में लगता है तो उस माइक को हम इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें एक रेजिस्टेंस की, और उसके बाद आपको एक 2fin माइक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी की सारी बातें दोस्तों मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसमें जो है रेजिस्टेंस का यूज़ करना है 47K का, और कैसे आपको माइक का यूज़ करना है इसमें। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो दोस्तों मैं आपको डायग्राम के जरिए से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आप यहाँ पे देख लें यहाँ पे कि ये जो सर्किट है आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी मोबाइल का सर्किट है, और इसमें 4fin का माइक जो है लगा हुआ था पहले से, तो इसे हमने निकाल दिया था, और इसमें हम 2fin का माइक यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, 47K का रेजिस्टेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद मान के चलिए आपके पास अगर 100K का रेजिस्टेंस है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास 200K का रेजिस्टेंस है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास 858K का अगर रेजिस्टेंस है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे माइक का जो यहाँ पे चित्र बना दिया है, रेजिस्टेंस का चित्र बना दिया है, और यहाँ पे इस बोर्ड का भी मैंने चित्र बना दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड का जो कनेक्शन है दोस्तों मैं बता दूँ कि ये ग्राउंड का कनेक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है ये दोनों आपस में जो है ज्वाइंट है, ठीक है, आपस में मिला हुआ है ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं प्लस, ये प्लस का जो कनेक्शन है आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस जो है अलग है, ठीक है, ये प्लस का कनेक्शन अलग है। और इसके बाद आप एक जो यहाँ पे देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में हमें कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ठीक है ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप थोड़ा ध्यान से देखें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये ग्राउंड जो है, तो ग्राउंड का कनेक्शन जो है हमें यहाँ पे माइक के ग्राउंड में देना है, ठीक है। तो माइनस वाला जो इसका कनेक्शन है माइक का, तो माइनस वाले कनेक्शन को यहाँ ग्राउंड से हमें जोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस वाला जो कनेक्शन है, इस प्लस वाले कनेक्शन को जो हमें यहाँ पे माइक के प्लस पर यहाँ पे जो है इसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप बात बारी आती है यहाँ पे रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस को कैसे बैठाना है, रेजिस्टेंस को किसके बीच में बैठाना है। दोस्तों मैं बता दूं रेजिस्टेंस को बैठाने के लिए आप यहाँ पे ये प्लस जो है, ये प्लस के कनेक्शन से आपको जो है एक जम्पर आपको इस रेजिस्टेंस पे देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो पीले कलर में जो लाइनिंग देख रहे हैं, तो ये पीले कलर का जो लाइनिंग है, इस पीले कलर के लाइनिंग को भी जो हम यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के साथ जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये जो कनेक्शन है पीले वाला, इसे भी हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है डिजिटल माइक का जो है यूज कर सकते हैं, और इसमें डिजिटल माइक जिस मोबाइल में भी लगा होगा, एंड्रॉइड का किसी भी मोबाइल में लगा होगा, चाहे वो सैमसंग का रहे, चाहे वो लावा का रहे, किसी भी कंपनी का मोबाइल रहे, उसमें अगर 4fin का माइक लगा हुआ है तो इस तरह से आप जो है उसका कनेक्शन करके उसमें 2fin माइक आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।